नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम लद्दाख में हैं। मैं दो दिन पहले लेह पहुंचा था। पहले दो दिन तो हमने अपने आप को एक्लिमेटाइज किया, बाहर हमने ना के बराबर ही एक्सप्लोर किया, मतलब रेस्ट ज़्यादा किया। और आज हम लेह पैलेस विजिट करके अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। जहाँ पर खड़े होकर मैं आपको ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, नीचे आप घर देख लीजिए, ये सब लेह के घर हैं। सामने पहाड़ों के ऊपर स्नो दिख रही है। आज देखो जुलाई महीने में भी इतनी सारी स्नो है और इस पहाड़ के ऊपर भी काफ़ी सारी वहाँ स्नो है। बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट और ऑक्सीजन जनरली लेह में कम रहती है और लद्दाख में ही कम रहती है ओवरऑल। इसीलिए कहते हैं कि जब आप यहाँ पर आओ तो कम से कम आपको दो दिन एक्लिमेटाइज करना चाहिए। जब आप कुछ भी हेक्टिक मत करो, सिर्फ रिलैक्स करो। चलिए सामने चलकर एक टिकट निकालते हैं और लेह पैलेस विजिट करने चलेंगे। पैलेस के अंदर एंटर करने के बाद जगह जगह हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी, इस पैलेस की हिस्ट्री के बारे में जाना, और चलते चलते कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर हम नेक्स्ट फ्लोर आ जाते थे। करते करते हम पैलेस के टॉप फ्लोर तक आ चुके हैं। इस समय मैं 8th फ्लोर में हूँ। एक्चुअली ये टोटल पैलेस 9 फ्लोर्स में है। 8th तक तो हम आ गए हैं, लेकिन 9th फ्लोर तक जाने का रास्ता बंद है, ऊपर नहीं जा सकते। और 9th फ्लोर में ऊपर एक रूम है, तो मैं नीचे पढ़ रहा था कि टोटल पैलेस में 100 रूम्स हैं। अब अंदर जब मैं चल रहा था तो मेरे को ऐसा सो जैसा दिख नहीं रहा था, बट आई एम श्योर वो नंबर काउंट किया होगा तभी ऐसा लिखा। अब ये पैलेस में टॉप फ्लोर पे आकर मुझे क्या दिखाई दे रहा है वो पहले आपको बता देता हूँ। इस तरफ को आप ले के घर देख सकते हो और वहाँ पर एक छोटी सी लेक है, उसको कारजू बोलते हैं, बिल्ली कारजू बोले तो लेक। थोड़ा सा आपको इस पैलेस की हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। नामग्याल डायनेस्टी ने लद्दाख में काफ़ी लंबे समय तक रूल किया। नामग्याल डायनेस्टी के एक बड़े फेमस राजा रहे हैं जिनका नाम है सेंगे नामग्याल। उनका पीरियड था 1590 से लेकर 1635। इसी पीरियड के अंदर इस पैलेस का निर्माण केवल 3 साल में किया गया। 3 साल बहुत कम टाइम है इस पैलेस को बनाने के लिए, और वो भी ऐसा कहते हैं कि उस समय वर्ल्ड का हाईएस्ट पैलेस यही था, मतलब वर्ल्ड की हाईएस्ट बिल्डिंग ये थी। जैसे हम जानते हैं कि पुराने समय में फाउंडेशन का सिस्टम नहीं हुआ करता था, और इस पहाड़ के ऊपर कहाँ से फाउंडेशन बनाए, तो बिना फाउंडेशन के ये पैलेस खड़ा हुआ है। और जब डोगरा राजा यहाँ पर आगे 1834-1840 के बीच में, तो रॉयल फैमिली को यहाँ से स्टोक पैलेस शिफ्ट कर दिया गया। पैलेस के अंदर मैंने खास चीज़ क्या नोटिस करी, एक तो जो कंस्ट्रक्शन की गई है वो स्टोन्स, सन ड्राइड ब्रिक्स, मिट्टी और लकड़ी में विलो, जूनिपर, पॉपुलर की लकड़ी यहाँ बहुत चलती है, पॉपुलर ट्री है, तो ये लकड़ी और स्टोन का मिक्सचर है जो इस पैलेस को बनाने में इस्तेमाल किया गया। सही लग रहा है हाइट से देखकर, थोड़ा सा इधर से भी देख लेते हैं। पैलेस के टॉप पे खड़े होके जो व्यू दिख रहा है ना, काफ़ी सही है। मतलब ले शहर हम दूर दूर तक देख रहे हैं, और जब आप यहाँ पर आओ ले तो ले पैलेस आना चाहिए। सुनने में तो लगता है कि 8th फ्लोर तक आने के लिए आपको काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 5 से 8 या 10 सीढ़ी चढ़ो तो 1 फ्लोर ऊपर आ जाते हो, तो दैट वे डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं है। जब मैं अंदर आया ना तो मैंने 2 गैलरीज भी नोटिस करी थी जिसमें पैलेस के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी थी, लद्दाख के बारे में, लद्दाख की हिस्ट्री के बारे में लिखा था, और बहुत सारी फोटोग्राफ्स थी जो पैलेस से जुड़ी हुई थी। सही है, गुड। 5-10 मिनट यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ी 2-4 बढ़िया सी फोटोग्राफ्स निकालते हैं, फिर हम नीचे की ओर चलते हैं। और आज दिन भर हमें लेह में घूमना है, और समथिंग लाइक अ डे इन लेह। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन विजिट कर सकें, खुद भी देख सकें और आपको भी दिखा सकें। ले से 20 किलोमीटर का सफ़र करके हम फ्यांग मोनेस्ट्री के पास पहुंच गए हैं। ये पार्किंग स्पेस है बहुत बड़ी। सामने कुछ पेड़ है ना, उन पेड़ों के पीछे एक बिल्डिंग दिख रही है, वो मोनेस्ट्री है। तो लगभग 300 मीटर के आसपास हमको पैदल जाना है, मोनेस्ट्री तक पहुंच जाएंगे। आओ जी मोनेस्ट्री के अंदर चलते हैं, और फिर वहाँ चलकर इन्फॉर्मेशन भी जानेंगे मोनेस्ट्री के बारे में। साथ में आज और कल एक फेस्टिवल भी चल रहा है, तो हम ऊपर चलकर फेस्टिवल भी देखेंगे। Thank you.
जिस प्रेयर हॉल में अभी हम गए ना, तो सेंटर में लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू है और साथ में उनके दो डिसाइपल्स, और वॉल पे ना बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो हमें लॉर्ड बुद्धा के जीवन के बारे में बताती हैं। अब ज़्यादा अगर डिटेल में जानना है तो गाइड होना ज़रूरी है। इस समय यहाँ पर कोई लामा भी नहीं है, ना ही कोई गाइड है जिससे हम ज़्यादा डिटेल में जान सकें। बाकी इतना मैंने पता लगा लिया, जो प्रेयर हॉल है ये हाल में बना है, लगभग 20-21 साल पहले। तो जो ओल्ड मोनेस्ट्री है वो उस तरफ को है। चलिए अब हम आगे के चलते हैं, मतलब नीचे की तरफ चलते हैं। अभी मैं प्रेयर हॉल के अंदर गया, मैंने 500 साल पुरानी फ्रेस्को पेंटिंग्स देखी। इन पेंटिंग्स की खास बात यह है कि उस पर कुछ भी काम नहीं किया गया, मतलब उसको इम्प्रोवाइज नहीं किया गया। जैसी 500 साल पहले थी आज भी वैसे प्रिजर्व की गई हैं। आर्टिफिशियल लाइट का अंदर इस्तेमाल नहीं है, तो वीडियोग्राफी अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो ऑब्वियसली आप भी पेंटिंग्स देखकर यही महसूस करेंगे, लॉर्ड बुद्धा की लाइफ को पेंटिंग्स के थ्रू डिपिक्ट किया गया है। मॉर्निंग और इवनिंग के समय यहाँ पे प्रेयर होती है, तो अगर आप मॉर्निंग आते हैं या इवनिंग आते हैं तो प्रेयर में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ताशी नामग्याल नाम के एक राजा थे जिनका पीरियड था 1500 से 1532 का। उनके पीरियड में यहाँ पर मोनेस्ट्री बनी है 1515 में। तो आप खुद इमेजिन कर लीजिए 1515 से आज कितने साल निकल गए, कितनी पुरानी ये मोनेस्ट्री है। और एक तो प्रेयर हॉल ये है, रेड कलर की सामने बिल्डिंग है, इसके बैक साइड में एक और प्रेयर हॉल है जो इससे भी कुछ साल पुराना है। मतलब हालांकि दोनों सेम पीरियड में बनी है लेकिन कुछ साल पुराना है। तो यहाँ से चल के उस प्रेयर हॉल को भी विजिट कर लेते हैं। इस टेंपल के अंदर भी ना फोटो और वीडियो लेना अलाउड नहीं है। फ्रेस्को पेंटिंग्स यहाँ पर भी हैं लेकिन ये साइज में थोड़ा छोटा हॉल है। जैसे आप अंदर विजिट करते हो ना तो सेंटर में एक डीएटी है जिनके मल्टीपल हेड्स हैं। तो मैंने थोड़ा सा नीचे इन्फॉर्मेशन पढ़ी लेकिन अच्छे से मैं समझ नहीं सका, ऐसा महाकाल करके लिखा हुआ था। और अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है, काग्युक सेक्ट है, तिब्बतन बुद्धिज्म में 4 सेक्ट होते हैं ना, तो इस रीजन में काग्युक सेक्ट की ये ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है जहाँ जो हमने अभी विजिट करी है। तो वैसे तो और उसके कुछ साल बाद ही ये वाला प्रेयर हॉल बना जो हमने 5 मिनट पहले विजिट किया था। और नीचे डांस फेस्टिवल चल रहा है, मैंने आपको बताया था ना कि 2 दिन का फेस्टिवल है, आज का और कल का। अब हम यहाँ से नीचे चलते हैं और चल के डांसेस देखते हैं। ऑलमोस्ट पिछले 1 घंटे से मैं डांसेस देख रहा था। कुछ देर तक तो मैं यहाँ ऊपर से देख रहा था नीचे की तरफ डांसेस। यहाँ पर एक हॉल है, बेसिकली है तो वीआईपीस के लिए। मैंने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ से देख लो, और फिर मैं ना नीचे चला गया जहाँ पर डांसेस हो रहे हैं। तो काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं, तो कुछ देर मैं वहाँ बैठा रहा। तो वहाँ से देखा तो एक अपने को क्लोजअप व्यू डांस का दिखाई दिया। तो मैंने पता लगाया फिर कुछ लोगों से कि साल में जैसे 2 बार डांस होते हैं, 2 दिन होते हैं, तो कैसे होते हैं डेज। तो उन्होंने बताया तिब्बतन कैलेंडर का जो 5th मंथ होता है ना, उसमें 28th और 29th को होता है। ये फिक्स डेट्स हैं। और आज डेट क्या है, 15th जुलाई, राइट। चलो एनीवेज, हमने 1.25 घंटा यहाँ स्पेंड किया, काफ़ी अच्छा लगा डांसेस देखकर। मास्क पहने थे, फिर पीछे चेंजिंग रूम था, थोड़ा सा ग्लिम्स हमने उसका भी देख लिया। अब 1 बजने का टाइम हो गया, अब हम यहाँ से चलते हैं। हमारे पास 2 चॉइस हैं, या तो हम सीधा चलकर हॉल ऑफ फेम चलें, मतलब यहाँ से सीधा हॉल ऑफ फेम चले जाएं, या पहले चल के लंच कर लें, वो मैं रास्ते में डिसाइड कर लेता हूँ। लंच इसलिए क्योंकि भूख लग गई बाकी रास्ते में डिसाइड करते हैं। लंच करने के लिए अभी हम नामजा रेस्टोरेंट आए हैं। मुझे रेफरेंस मिला था, यहाँ पर आपको लोकल ट्रेडिशनल फूड खाने को मिलेगा,
तो यहाँ हम आ गए हैं। अब धूप है इसलिए हम बाहर नहीं बैठ रहे, हम यहाँ पर अंदर बैठेंगे और देखते हैं क्या खाना है। मैंने ना अपने लिए यहाँ पर तीन डिश मंगाई है। ये है ड्रापू, ये ज़्यादा फेमस है वेस्ट लद्दाख साइड में। टेक्सचर देख के तो बहुत डिफरेंट लग रहा है और समझ आ रहा है ये चीज़ मैंने पहले कभी खाई नहीं है। मुझे इन्होंने बताया कि इसमें ना जो पेस्ट है, जो ग्रेवी है ना, वो दो चीज़ पे बनी है। एक तो है अखरोट और साथ में एप्रिकॉट। तो ये इन्होंने दिखा दिया, ये एप्रिकॉट सीड का कर्नल है और बगल में अखरोट। तो इन दोनों को इस्तेमाल करके ड्रापू हो गया तैयार। ये है खम्बीर और खम्बीर के साथ काबरा, बेसिकली केपर्स। कोई अगर गेस करने को बोले ना कि ग्रेवी कैसे बनी है, तो एक बड़ा नेचुरल गेस हो सकता है कि अखरोट इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एप्रिकॉट मुश्किल है। केपर्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया टेस्ट है। इसमें दो तरह के फ्लेवर हैं, एक तो हल्का सा गार्लिक का और साथ में टमाटर। जूसी टेस्ट है, फ्रेशनेस है। अब ये ड्राई करके यूज़ करते हैं या डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो आई एम नॉट अवेयर, लेकिन टेस्ट में दम है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि साथ में इन्होंने सूप दिया है, और मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पुलाव के साथ मोमोज भी आएंगे। और इसका नाम है यारखंडी पुलाव। मैं इनसे पूछ रहा था कि ये क्या चीज़ है, तो ये बता रहे थे कि ये डिश ना एक्चुअली में यारखंड करके एक जगह है आज की डेट में चाइना में, वहाँ से आई है। पहले लोग आते थे ना वहाँ से ट्रेड करने के लिए इंडिया की तरफ, तो लद्दाख से आते थे, तो ये रेसिपी उधर से आई है। ऊपर प्याज मटर, नीचे राइस और पनीर। क्या फ्लेवर है, कोई मसाले का फ्लेवर नहीं है, कुछ हर्ब्स हैं जिनका फ्लेवर इसके अंदर है। कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। मैं जब मंगा रहा था मैं सोचा था कि कुछ नॉर्मल पुलाव होगा, हो सकता है उसमें कुछ एक दो चीज़ ऐड करते हों। अब ये तो टेस्ट ही बहुत गजब है। सही है, अब हम रिलिश करके इंजॉय कर करके अपना मील फिनिश करते हैं, फिर आगे घूमने चलेंगे। हमारे पास पूरा दिन अभी है, पूरा दिन नहीं तो सेकेंड हाफ ऑफ द डे अभी है हमारे पास। मैंने इस समय सिंधु घाट पे आ चुका हूँ। ये घाट है, बड़ी प्यारी सी ऊपर सिटिंग बनी हुई है और काफ़ी साफ सुथरा घाट है। यहाँ मैं ऊपर बोर्ड पे भी इंफॉर्मेशन भी पढ़ रहा था घाट कब बना और इस होली रिवर के बारे में भी यहाँ लिखा था, और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं जिन्होंने यहाँ पर आके प्रेयर करी है। पानी की यहाँ पर ना हमको दो स्ट्रीम दिखाई दे रही हैं, एक तो ये है और एक जैसे ये पार करके उधर जा रहे हैं ना वहाँ से भी स्ट्रीम आ रही है। हम जनरली इस नदी को इंडस के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर, लेकिन लोकली इसको सिंधु नदी कह के बुलाया जाता है। चलिए आगे थोड़ा सा वहाँ तक चलते हैं और व्यू भी देखेंगे और कोशिश करेंगे अगर हम उस तरफ जा सकें। पानी देखिए जी नदी का कितना ज़्यादा साफ है। मानसरोवर लेक के नीचे ग्लेशियर जिसका नाम है बुखारचू, मतलब तिब्बत की बात कर रहे हैं, वहाँ से ये नदी चलती है। बीच में पता ही हमें नदी कैसे फॉर्म होती है, झरने सब ज्वाइन करते करते ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहते, नदी फॉर्म करते करते लद्दाख एंटर करती है। लद्दाख कहाँ एंटर करती है, डेमचुक नाम की एक जगह है, वहाँ से फिर वो नदी क्या करती है, इंडस लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज के बीच से चलती है, बट मोर क्लोजर टू द लद्दाख रेंज। और चलते चलते स्ट्रीम्स मिलती रहती हैं, नदी की विड्थ बढ़ती रहती है। अब यहाँ से ये आगे चली जाएगी निम्मू, निम्मू में जांस्कर रिवर इसको आके मिल जाएगी।
और वहां से ये बाल्टिस्तान एंटर कर जाती है। स्कर्दू बोलते हैं उस जगह को जहां पर ये इंडस पीओके एंटर करती है। उसके बाद ये घूमती घूमती पीओके में पंजाब साइड से कराची एंटर कर जाती है। कराची में जाकर ये अरेबियन सी में ड्रेन करती है और अरेबियन सी में ड्रेन करने से पहले ये बहुत बड़ा डेल्टा भी बनाती है। कुल मिला के जो इंडस रिवर की टोटल लेंथ है वो 2880 किलोमीटर है, 2880, जिसमें से इंडिया में जो पार्ट इसका फ्लो करता है वो है 1114 किलोमीटर। इस जगह जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर साल में एक बार सिंधु दर्शन मेला लगता है, जिसमें ट्रैवलर्स इंडिया में भी दूर दूर से आते हैं और फॉरेन कंट्री से भी वो मेले में पार्टिसिपेट करने आते हैं। तो लोग यहाँ पर आते हैं और इस नदी की पूजा करते हैं, और वैसे भी आते हैं लेकिन वो स्पेशल इवेंट इसी काम के लिए जो 1997 से चल रहा है, हर साल होता है जून महीने में। बॉलीवुड फिल्म शाहरुख खान की है ना दिल से, उसकी एक सीक्वेंस यहाँ पर रिकॉर्ड हुई थी, मतलब एक सीन था यहाँ पर, और एक यहाँ से 15 मिनट के डिस्टेंस पर एक जगह है, मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा, वहाँ पर भी सॉन्ग सीक्वेंस रिकॉर्ड हुई थी दिल से की। चलो बहुत खूब, और थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात ही बोलूँगा, यहाँ पर टूरिस्ट अभी कोई है ही नहीं, मतलब मुश्किल से एक या दो लोग मुझे दिखे हैं पिछले 30 मिनट्स में हमें आए हो गए हैं, 30 मिनट में ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे। तो मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, अदरवाइज वाटर बॉडीज़ के पास आना तो हर किसी को अच्छा लगता है, और यहाँ पर तो स्पेशल घाट बना हुआ है तो और अच्छा लगेगा। सही है, रुकते हैं 10 मिनट फिर यहाँ से हम चलेंगे। आप में से काफी लोगों को ये नहीं पता होगा लद्दाख का पश्मीना बहुत फेमस है। सुबह से मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा था हम कहाँ जाके पश्मीना देख सकते हैं और पश्मीना की स्टोरी को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मुझे ना रेफरेंस मिला है कि आपने लाइब्रेरी रोड पे, बेसिकली हम यहाँ आ गए हैं, इसको लाइब्रेरी रोड बोलते हैं, सामने मेरे को एक लाइब्रेरी दिख रही है, लिखा है ताशी राप गाइज लाइब्रेरी, और यहाँ पर सामने एक लेना करके शॉप है, LENA, ऊपर दिख रहा है ना हैंडीक्राफ्ट लद्दाख पश्मीना। तो यहाँ का मुझको रेफरेंस मिला कि आप यहाँ चले जाइए, आपको पश्मीना के बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहाँ चलते हैं। यहाँ पर ना शॉप के अंदर आने के बाद मुझे मालूम चला लेना शॉप का नाम नहीं है, लद्दाखी में पश्मीना को लेना बोलते हैं। अब हमारे साथ हैं यहाँ पर चोजडून है, मेरी आपसे अभी बस 5-10 मिनट पहले ही मुलाकात हुई है। हाँ जी। तो थोड़ा आप हमें ना पश्मीना के बारे में बताइए कि हमारे पास जो नॉलेज है वो ये कि पश्मीना जो वूल होती है उसकी जो मेन सोर्सिंग है वो लद्दाख से है, क्योंकि मैं पीछे कश्मीर गया था तो मुझे मालूम चला था कि कश्मीर में जो पश्मीना सेल होती है उसका जो रॉ मटेरियल है वो लद्दाख से जाता है। तो अब हम लद्दाख में आ गए हैं, तो कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस, हाउ डज दिस स्टार्ट और फाइनल प्रोडक्ट तक कैसे पहुँचता है? तो लेना मतलब पश्मीना जैसे आपने बताया, और हम जो है ये काम 7 साल से कर रहे हैं, और जितने भी यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स देखोगे वो पूरा हाथ से बना है, यानी देयर आर लाइक अराउंड 20 से 25 स्टेप्स है जो पूरा हाथ से बनता है। अच्छा। तो पहले जो आप फोटो में देखोगे ये होता है कॉम्बिंग, कॉम्बिंग होता है जो जब नोमैड जो है गोट्स से वूल निकालते हैं। तो यानी पहली बात होगी पश्मीना इज नॉट कमिंग फ्रॉम शीप, इट इज कमिंग फ्रॉम गोट। या इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ गोट कॉल्ड चंगरा गोट जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख, यानी जिस एरिया को बोलते हैं चंगतंग। तो वहाँ से हेयर को कट नहीं करते, कॉम करते हैं। कॉम करते हैं, हाँ जी। तो सेकेंड होता है कार्डिंग, जो जिसको जिसका मतलब है क्लीनिंग। थर्ड प्रोसेस है स्पिनिंग, जिसका मतलब है थ्रेड बनाना, वूल से धागा बनाना। तो नेक्स्ट होता है इसमें ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग इसलिए क्योंकि एक शॉल में एक साइड हमेशा डबल होता है, डबल थ्रेड होता है, तो उसके लिए हाथ से फिर ट्विस्टिंग करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट होता है वार्पिंग, यानी अरेंजिंग, थ्रेड को अरेंज करना। क्यों अरेंज करना? क्योंकि आपको उसको लूम में डालना है। Perfect. और ये लूम है, इसको बोलते हैं फ्लाई शटल लूम। तो ये हमारे पास 40 के यू नो वुमेन आर्टिजन्स है जो हमारे साथ काम करते हैं, जो अलग अलग जितने स्टेप्स हैं वो पूरा करते हैं। और लास्ट स्टेप है फिनिशिंग, जिसमें क्लीनिंग करना हाथ से, क्योंकि हम तो कुछ मशीन से बनाते नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट बन जाने के बाद क्लीनिंग, हाँ फिर करना पड़ता है। तो क्योंकि वॉशिंग भी करते हो? हाँ, तो जो प्रोडक्ट जो बनता है उसका जो क्लीनिंग वॉशिंग होता है वो हाथ से हम सोपनट यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं रीठा, जो आप बाल धोने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये उसको वो करना, धोना, फिर आयन करना, ये सब पैकेजिंग हर चीज़ हम खुद हाथ से करते हैं। ये क्या नीचे? तो ये तो वुल का डिस्प्ले है। अच्छा। ये पश्मीना नहीं है। अच्छा।
फिर आप जब इस शॉप में देखोगे जितने भी कलर्स है वो पूरा नेचुरल कलर्स है, तो हम प्लांट डाइज ही करते हैं क्योंकि पश्मीना इस जो है वो बहुत एक्सपेंसिव फाइबर है, बहुत रेयर है दुनिया में, लाइक वर्ल्ड में सबसे बेस्ट फाइबर माना जाता है पश्मीना को, कंसीडर्ड टू बी जैसे वेरी गुड इंसुलेटर. यस, इज द बेस्ट इंसुलेटर. रिटेन्स बॉडी टेंपरेचर ना. हाँ जी, तो इसमें हम अलग अलग इंडिगो, मैडर, वॉलनट, लैक, ये सारे नेचुरल डाई हम यूज़ करते हैं. तो जैसे ये फाइनल प्रोडक्ट्स है, इसमें नेचुरल कलर्स में है और डाइड में भी है, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है. तो नेचुरल पश्मीना जो 3 कलर्स में आता है, ये वाइट आता है, ये बेज कलर है, और ये बॉर्डर में आप देखोगे ये ग्रे है. तो ये 3 कलर के वूल आते हैं, अलग अलग गोट के वूल के कलर का. वूल कलर के, हाँ जी, बाकी सेम है, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है. हाँ जी, ये शॉल है या स्टोल है? जैसे ये स्टॉल, ये शॉल साइज है, आप इसको देख, जिसे आप ये ट्राई कर सकते हैं. इसमें इंडिगो बॉर्डर डाला है, बाकी सब नेचुरल कलर है. ऐसे करके देखो. हाँ जी, हम ट्राई कर सकते हैं. वेट कितना है इसका? हाँ जी, तो वेट अलग अलग प्रोडक्ट का अलग होता है क्योंकि हाथ का काम है तो फिक्स नहीं होता है. इसका कितना है? तो आप बोल सकते हो 350 ग्राम, 4, इसमें मेंशन नहीं है, 300 ग्राम, 350 ग्राम, इतना हो सकता है एक शॉल में. प्राइस आपने कितना लिखा? 39,800. हाँ जी, एक्सपेंसिव है काफ़ी. हाँ जी, क्योंकि ये बहुत रेयर फाइबर है लाइक वर्ल्ड में, और ये जो है इसका वूल ही बहुत एक्सपेंसिव होता है. जैसे कि लास्ट ईयर हमने इसको 16,000 किलो वूल खरीदा था. उसके बाद आपने देखा कितना प्रोसेस है. तो ये एक आर्ट है, ये ऐसा सिर्फ ये नहीं कि एक सामान खरीद रहे, यू बाइंग एन आर्ट, यू नो. अच्छा, ये क्या कैप्स भी आपके पास? हाँ जी, तो हम जो है वोवन प्रोडक्ट्स और उसके साथ नेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं. तो ये जो है नेचुरल में नेटेड है, ये भी पश्मीना का है, और ये डाइड है. तो ये नेक वार्मर्स हम बनाते हैं, कैप्स बनाते हैं, ब्लैंकेट्स बनाते हैं, ग्लव्स बनाते हैं, सॉक्स बनाते हैं, ये सब. ये प्राइसेस हैं? हाँ जी, ये 3,900 फॉर दिस कैप. हाँ जी, तो ये वाला वुलन है, ये वाला पश्मीना है. तो अलग अलग मतलब हम लोग. ये तो नेक वार्मर हो गया. हाँ जी, पश्मीना कैप. हाँ जी, ये पश्मीना कैप्स है. हाथ में हाथ लगाने से डिफरेंस पता चलता है. में और पश्मीना क्या, दोनों साथ साथ हाथ लगाओ ना तो मालूम चलता है कि फर्क तो काफी है. हाँ जी, ये कलर वाला है, ये मारी गोल्ड. हाँ जी, इसका क्या प्राइस लिखा आपने? इसका 7,000. प्रीटी एक्सपेंसिव दैट वे. अच्छा, अगेन सेम पश्मीना इस्तेमाल काफी हुआ है. हाँ जी, हाँ जी, इसमें आप वेट भी देखो इसका, ये पूरा हाथ का स्पिनिंग सब कुछ हाथ का है इसमें भी. हाँ जी, चलो, सो नाइस. हाँ जी, अभी देखो हम कुछ ना ले तो नहीं रहे हैं फॉर नाउ. अभी तो हम थोड़ा क्यूरोसिटी से जानना चाहते थे. और आपने बताया कि ईस्टर्न लद्दाख साइड ये गोट्स होती हैं, नोमैड्स करते हैं. तो हम लोग अभी आगे पैंगोंग साइड जाएंगे ना. अच्छा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी हम वहाँ पर नोमैड्स को मिल सके जो हमें प्रैक्टिकली कैसे करते हैं दिखा सके. हाँ जी, हाँ जी. पश्मीना की प्योरिटी चेक करने के लिए कुछ तरीका होता है? जैसे एक तो बड़ा ऑब्वियस है लैब टेस्ट. जैसे एक थ्रेड लेकर फाइनल प्रोडक्ट का आप थोड़ा जला के देखो, ऐसा भी कुछ लोग करते हैं ना. तो क्या वो सही तरीका है? नहीं जी, मतलब जलाना ये सब बिल्कुल मतलब कोई भी ऑथेंटिक तरीका नहीं है. आप सिर्फ लैब टेस्ट से ही पता चल सकता है कि आपके प्रोडक्ट कितना प्योर है और नहीं है. अच्छा, वो हो सकता है कोई दूसरा नेचुरल प्रोडक्ट हो जो पूरा फिनिश हो जाए तो हमने उसको पश्मीना मान लिया. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो ऐसा होता है. सही है. अच्छा, आपके पास आके हमको थोड़ा सा नॉलेज मिल गया. हाँ जी. और बाकी लद्दाख पश्मीना तो फेमस ही है. और अभी क्या GI टैग मिला ना? हाँ जी, इस साल लद्दाख पश्मीना को GI टैग मिला है. तो अभी सबको नॉलेज हो गया कि पश्मीना लद्दाख से ही आता है. जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा. नाइस टू मीट यू. थैंक यू. और आपने बड़ा कम समय में हमें बड़ी हेड्स अप इन्फॉर्मेशन पश्मीना के बारे में दे दी. अब हम यहाँ से जा रहे हैं लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए. तो हॉल ऑफ फेम 15-20 मिनट्स लगना चाहिए. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. यहाँ से पहुँचने में. हाँ जी, उतना ही. ग्रेट है. चलो, आपको हम कुछ देर में ज्वाइन करते हैं. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक्स अगेन. थैंक यू. तो आपके यहाँ जुले बोलते हैं ना? जुले, जुले. हेलो, बाय सब कुछ. हेलो, बाय. इज ऑल जुले. जुले, जुले. थैंक यू. थैंक यू. लाइट एंड साउंड शो देखकर अभी मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ. ये टोटल शो लगभग 45 मिनट का था.
जो शुरुआत हुई वो 1947 पार्टीशन से हुई। पार्टीशन के बाद से लेकर 2021 तक जो जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर बॉर्डर साइड पे हुए या लद्दाख में हुए या नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश की तरफ हुए, उन इवेंट्स के बारे में इन्होंने बताया। वो इवेंट कैसे अनफोल्ड हुआ, कैसे पाकिस्तान ने किस चौकी पे कब्जा किया, फिर भारतीय सेना ने उस पर कैसे पलटवार किया और कौन कौन भारतीय सेना के वीर थे जिन्होंने जाकर पाकिस्तान या चाइना की उस चौकी पर वापस कब्जा किया। तो जैसे 62 वॉर, 71 वॉर, हर वॉर के बारे में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। फिर जिनको परमवीर चक्र मिला, महावीर चक्र मिला, उनके बारे में डिटेल में बताया गया। तो आप भी जब ले आएंगे तो आई एम श्योर आप यहाँ पर शो देखने भी आएंगे, प्लस 6 बजे से पहले अगर आप आते हैं तो हॉल ऑफ फेम भी विजिट कर सकते हैं। मैं भी आज आना चाहता था यहाँ पर, लेकिन मुझे ना टाइम बाद में मालूम चला कि 6 बजे तक ओपन होता है। तो हॉल ऑफ फेम 6 बजे तक और लाइट एंड साउंड शो शाम को 8 से 9 बजे तक, जिसका काउंटर 7:30 खुलता है, ये मैंने पहले भी जिक्र किया था। तो आज का प्रोग्राम हमारा यहीं पर हम एंड कर रहे हैं। अब हमारे होम से जाके हम डे एंड कर देंगे। कल हमें नूबरा वैली जाना है। सिर्फ एक थोड़ा चीज़ हमें ध्यान देनी पड़ेगी, हमारी गाड़ी का जो ड्राइवर है उसके सिर में ना दोपहर से दर्द हो रहा है, तो मैं बात कर लेता हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहूँगा कि अगर दर्द ठीक नहीं होता तो वो दर्द के अंदर हमारे साथ ट्रैवल करे। तो ऐसी सूरत में हम ले एक दिन और रुक जाएंगे। तो अभी जैसे जाके मैं गाड़ी के ड्राइवर से बात कर लेता हूँ और उसके बेसिस पे हम अपना कल का टूर प्लान कर लेंगे। बाकी हमारी तरफ से हम नूबरा जाना चाहते हैं। बाकी स्टिल अगर हमें से कोई बीमार हो जाता तो हम क्या करते, ऑब्वियस आंसर, हम ले में एक दिन और रुक जाते। तो सेम थिंग अप्लाइज फॉर ड्राइवर ऑल्सो, ऐसे मेरा सोचना है, राइट। तो फिलहाल आपको मैं अभी यहीं पर बाय बाय कर रहा हूँ, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, थैंक्स फॉर योर टाइम। आज के दिन का ना ये बेस्ट सीन है, दो पहाड़ों के बीच में बैठकर संगम अपनी नजरों के सामने देखना और इंडस नदी जो ये संगम के बाद बन जाती है वो आपके सामने बह रही है, ये तो एक्सपीरियंस है।